नमस्कार, सभी का स्वागत है। सामने आप दृश्य देख सकते हैं जो अलीनगर के विधायक हैं मिश्रीलाल यादव, उनकी जो बहू हैं चंदा यादव, उनके पुत्र धीरज यादव, ये सभी लोग आज पहुंचे हैं यहाँ नामांकन कराने के लिए। छछा पचाड़ी पंचायत से मुखिया निवर्तमान हैं भी और आज नामांकन कराने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों समर्थकों के साथ आज नामांकन करने के लिए चंदा देवी और चंदा यादव यहाँ पहुंची और नामांकन उन्होंने कराया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, कितने लोगों का अभी तक नामांकन हुआ और कितने लोगों ने यहाँ पर जी हमने आज नॉमिनेशन कर लिया है। समर्थन मिल रहा है वो सब आप लोगों के सामने है और मैं बहुत खुशी हूँ संख्या में लोग यहाँ आए हैं, लोगों ने अपना आशीर्वाद अपना समर्थन मुझे दिया है। इस बात से मैं बहुत खुशी हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इस पंचायत चुनाव में पिछली बार की तरह पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतूंगी। मैडम, 5 साल आप मुखिया रही हैं, कितने लोग काम कर लिए हैं, संतुष्ट है लोग आपसे? लोगों की संतुष्टि का अंदाजा उनके भीड़ से ही दिख जाता है। अगर भीड़ हमारे साथ है इसका मतलब लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है मैडम? चंदा कुमारी नाम। किस नाम से पद से मुखिया नामांकन की है? जी मेरा नाम चंदा कुमारी हुआ, इसी नाम से मैंने नामांकन किया। नहीं नहीं, किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। कौन सा पंचायत? धन्यवाद। बता दें कि दरभंगा के केवटी प्रखंड की बात करें तो यहां पंचायत चुनाव नामांकन कार्यक्रम के लिए तीसरे दिन भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आते रहे और NH 527B एक बार भी जाम नहीं हुआ। 10 बजे से लेकर पुलिस डटी रही, NH एक बार भी जाम नहीं हुआ, क्योंकि पहले खासकर पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद रही थी। एक दिन पहले की बात है जब SSP बाबूराम के पास कंप्लेंट पहुँच गई थी, उसके बाद आनन फानन में जो यहाँ पर शिव कुमार यादव हैं वो लगातार यहाँ पर कैंपेन करते रहे और NH 527B को खाली उन्होंने करवाया था। खासकर बात करें मुख्यालय गेट से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया था और बैरिकेडिंग के भीतर जुलूस ले जाने के लिए पूरे दिन यहाँ पर मना दिया गया। केवटी थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव और रैयाम थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह स्वयं पुलिस कर्मियों के संग भीड़ को नियंत्रित करते देखे गए। अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक को ही जाने की अनुमति दी, जिसके कारण प्रखंड परिसर और मुख्यालय के गेट के सामने कोई खास भीड़ नहीं थी। शांतिपूर्ण ढंग से और मुख्यालय के गेट के सामने कोई खास भीड़ नहीं दिख रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहां पर पंचायत में सर्वाधिक मुखिया पद के लिए कुल 11 लोगों का नामांकन कराया है। वहीं दूसरे नंबर पर कोठिया पंचायत है, जहां से अब तक 10 मुखिया पद के लिए आवेदन आ चुके हैं। छछा पचाड़ी पंचायत से पिछले 2 दिनों से नामांकन शून्य था, लेकिन आज तीसरे दिन खाता खुला। निवर्तमान मुखिया चंदा कुमारी मुखिया पद के लिए नामांकन उन्होंने कराया। जिले के अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव चंदा कुमारी के संघ थे। चंदा विधायक यादव की पुत्रवधु हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए जगदीर यादव ने केवटी पंचायत से तो पैगम्बर पंचायत से कामिनी देवी ने पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन कराया। लालगंज पंचायत से मोनी कुमारी चौरसिया ने मुखिया पद के लिए नामांकन कराकर जनसेवा का संकल्प लिया। खंड में आज कुल 804 नामांकन हुए। इसके अलावे पाराडीह निवासी रानी भारती ने जीप जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3/3 से और समेला गांव निवासी कुणाल कुमार कर्ण उर्फ गोलू ने जिला परिषद संख्या 3/4 से नामांकन दरभंगा सदर अनुमंडल में कराया। BDO सह निर्वाची अधिकारी महताब अंसारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज कुल 53 लोगों ने मुखिया पद के लिए नामांकन कराया, इसमें 33 महिला 20 पुरुष हैं। सरपंच पद के लिए कुल 43 नामांकन हुए, इसमें 25 महिला 18 पुरुष हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 76 नामांकन हुए, इसमें 39 महिला 37 पुरुष हैं। सर्वाधिक नामांकन 466 वार्ड सदस्य पद के लिए हुआ है, 232 महिला 234 पुरुष। कचहरी पंच के लिए कुल 166 नामांकन हुए, इसमें 94 महिला और 72 पुरुष हैं। कुल नामांकन 804 हो गया है। यहाँ बैठने का मकसद है कि यहाँ नॉमिनेशन के लिए जो भी आ रहे हैं मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर, उन लोगों को कोई तरह का परेशानी हो रही हो या कोई तरह का मेडिकल सहायता की आवश्यकता होगी वो दी जाएगी, इसलिए हम लोग को यहाँ लगाया गया है। क्या सदस्य टीम है आपकी? कितने सदस्य आप लोग यहाँ मतलब स्वास्थ्यकर्मी हैं? स्वास्थ्यकर्मी 3 सदस्य को लगाया गया है। कितने लोग अभी तक आए हैं आपके पास? के पास तो अभी तक में जो है
मौसम के गड़बड़ी होने के कारण पानी की कमी है। सभी लोग अभी तक सुरक्षित हैं? अभी तक आपके पास इलाज के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, नहीं पड़ी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार। धन्यवाद। देखिए कोई दिक्कत नहीं होती, डोनेशन करने में सभी सुविधा उपलब्ध है। सबसे बड़ी यहाँ पे रोड आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है और यही है कि सुविधा फलपूर्ण है। एनएच कभी जाम भी हुआ है क्या? जी अभी तो पूर्णतः जाम है। प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, जो प्रशासन कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे जाम हटाने वगैरह। यहाँ पे जाम इतना है कि एक घंटा लग जाता है। आप किस पद के लिए नामांकन किए हैं? आप किस पद के लिए नामांकन किए हैं आज? मुखिया पद के लिए हमने नामांकन किया। कौन से पंचायत से? पंचायत। क्या लगता है, जन समर्थन मिलेगा? अपार जन समर्थन मिल रहा है। 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये उम्मीद है कि हम जो मेहनत करके यहाँ पे आए, जनता यहाँ पे जिता के जाए।